नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जाएगा। यह मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं 12 साल बाद टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए रोहित ने किन 11 खिलाड़ियों को चुना है। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है और बड़ी शान के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। भारत के बाद फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया है, जिसने शुरुआत में तो 2 मैच हारे थे लेकिन इसके बाद गजब का प्रदर्शन किया है और अब फाइनल में भारत से सामना करेगी। तो दोस्तों आपको बताएं कि किसी खास खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम के इस वर्ल्ड कप का अभियान तो देखकर लगता है कि यह टीम पूरी तरह से संतुलित है और टीम में किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा की नेतृत्व वाली इस टीम में कोई कमी नजर नहीं आती है। यह टीम किसी भी एक बल्लेबाज या गेंदबाज पर निर्भर नहीं है। बल्लेबाजी में टीम के सभी बल्लेबाज रन बना रहे हैं और गेंदबाजी में टीम के सभी गेंदबाज विकेट चटका रहे हैं। इस वजह से यह टीम इंडिया काफी खतरनाक लग रही है। और पहले आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या के चोटिल होने से टीम को नुकसान नहीं हुआ है। इस टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या का काफी खास महत्व था, लेकिन 4 मैचों के बाद बांग्लादेश मैच के दौरान हार्दिक चोटिल हो गए थे और फिर टीम से बाहर हो गए। उनकी वजह से रोहित को टीम में बदलाव करना पड़ा। हार्दिक की जगह सूर्य कुमार यादव को बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज। पहले आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या के चोटिल होने से टीम को नुकसान नहीं हुआ है। इस टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या का काफी खास महत्व था, लेकिन 4 मैचों के बाद बांग्लादेश मैच के दौरान हार्दिक चोटिल हो गए थे और फिर टीम से बाहर हो गए। उनकी वजह से रोहित को टीम में बदलाव करना पड़ा। हार्दिक की जगह सूर्य कुमार यादव को बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और शार्दुल ठाकुर की जगह मोहम्मद शमी को बतौर स्पेशलिस्ट गेंदबाज के तौर पर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। इस कारण से रोहित के पास पांच विकेट टेकिंग गेंदबाज के विकल्प तो आ गए, लेकिन छठे गेंदबाज की कमी पूरी नहीं हो पाई। हालांकि दोस्तों आपको बताएं कि लीग स्टेज के 5वें मैच से लेकर सेमीफाइनल तक भारत को छठे गेंदबाज की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन 6 मैचों में मोहम्मद शमी ने अकेले ही 23 विकेट चटका दिए। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले फाइनल मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो दोस्तों आपको बताएं कि टीम इंडिया की फाइनल में प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेटकीपर और विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा और विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में और विश्व कप 2023 का फाइनल मैच जीतने के लिए भारतीय टीम को अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर नई नई अपडेटों के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जाएगा। यह मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं 12 साल बाद टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए रोहित ने किन 11 खिलाड़ियों को चुना है। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है और बड़ी शान के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। भारत के बाद फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया है, जिसने शुरुआत में तो 2 मैच हारे थे लेकिन इसके बाद गजब का प्रदर्शन किया है और अब फाइनल में भारत से सामना करेगी। तो दोस्तों आपको बताएं कि किसी खास खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम के इस वर्ल्ड कप का अभियान तो देखकर लगता है कि यह टीम पूरी तरह से संतुलित है और टीम में किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा की नेतृत्व वाली इस टीम में कोई कमी नजर नहीं आती है। यह टीम किसी भी एक बल्लेबाज या गेंदबाज पर निर्भर नहीं है। बल्लेबाजी में टीम के सभी बल्लेबाज रन बना रहे हैं और गेंदबाजी में टीम के सभी गेंदबाज विकेट चटका रहे हैं। इस वजह से यह टीम इंडिया काफी खतरनाक लग रही है। और पहले आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या के चोटिल होने से टीम को नुकसान नहीं हुआ है। इस टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या का काफी खास महत्व था, लेकिन 4 मैचों के बाद बांग्लादेश मैच के दौरान हार्दिक चोटिल हो गए थे और फिर टीम से बाहर हो गए। उनकी वजह से रोहित को टीम में बदलाव करना पड़ा। हार्दिक की जगह सूर्य कुमार यादव को बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज। पहले आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या के चोटिल होने से टीम को नुकसान नहीं हुआ है। इस टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या का काफी खास महत्व था, लेकिन 4 मैचों के बाद बांग्लादेश मैच के दौरान हार्दिक चोटिल हो गए थे और फिर टीम से बाहर हो गए। उनकी वजह से रोहित
को टीम में बदलाव करना पड़ा। हार्दिक की जगह सूर्य कुमार यादव को बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और शार्दुल ठाकुर की जगह मोहम्मद शमी को बतौर स्पेशलिस्ट गेंदबाज के तौर पर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। इस कारण से रोहित के पास पांच विकेट टेकिंग गेंदबाज के विकल्प तो आ गए, लेकिन छठे गेंदबाज की कमी पूरी नहीं हो पाई। हालांकि दोस्तों आपको बताएं कि लीग स्टेज के पांचवें मैच से लेकर सेमीफाइनल तक भारत को छठे गेंदबाज की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन छह मैचों में मोहम्मद शमी ने अकेले ही 23 विकेट चटका दिए। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले फाइनल मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो दोस्तों आपको बताएं कि टीम इंडिया की फाइनल में प्लेइंग 11 क्यों हो सकती है। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेटकीपर और विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा और विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में और विश्व कप 2023 का फाइनल मैच जीतने के लिए भारतीय टीम को अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर नई नई अपडेटों के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।